जागरण होता है, तो कल 23वां जागरण था जो कि हर साल होता है और बहुत विशाल होता है। तो कल बहुत बड़े बड़े सिंगर आए थे, बहुत तगड़ी संगत थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो कन्हैया मित्तल, बी पराग वगैरह सब सारे सिंगर आए थे। तो जब बी पराग आए तो लोगों को उनको प्यार इतना करते हैं तो भगदड़ मची। तो एक स्टेज बनाई हुई थी साइड में, उस पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो वो नीचे गिर गई। हादसा हुआ, कुछ लोगों को चोट भी आई है, बट हमारी जो कालका मंदिर का प्रशासन था, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, हमारे सेवादार थे, उन सब ने मिलकर उसको संभाल लिया। कैजुअल्टी ज्यादा हुई नहीं हुआ था। तो उसपे अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 हजार लोग आ सकते थे, बट जब उस पे बी पराग को पास से देखने के लिए उस सारे लोग उस स्टेज पे चढ़ गए। मतलब जहां मेन स्टेज थी, स्टेज वो नहीं टूटी है, स्टेज एक लेफ्ट हैंड साइड में बैठे थे जो पब्लिक के लिए बनाई थी, उस पब्लिक पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा, जागरण की बात करें, कितने लगभग भीड़ थी जागरण में? तो अगर आप अच्छे से लगाओ तो 30-40-50 हजार लोग होने चाहिए थे। 30 हजार से ऊपर। अच्छा, इसके अलावा पंडित जी, पुलिस ये कह रही है कि परमिशन नहीं थी, इसके बारे में आप क्या देखो, कहेंगे? अब मैं इन चीजों को नहीं बोलता कि परमिशन थी या नहीं थी। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि जो हादसा हुआ, मतलब वो माँ कालका की रहमत लगा लो या हम सबके अच्छे भाग लगा लो, कि जिस हिसाब से वहां पे भीड़ थी और जिस हिसाब से वो स्टेज गिरी थी, तो उस हिसाब से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हुई रही है सोशल मीडिया पे, अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत सारे लोग थे, बट प्रशासन ने, हमने, सबने मिलके, मंदिर समिति ने, सेवादारों ने, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, सबने धीरे धीरे करके सबको निकाला और ज्यादा कुछ नुकसान। हम लोग आ जाए, हर संडे को मैं आती हूँ, हमें 10 साल से ऊपर हो गया आते हुए, लेकिन हर साल होता। पिछले साल मैं आई, 3 साल भी तैयार थी, लेकिन ठंड की वजह से मैं नहीं आई। अभी मैं आई हूँ तो सुनी हूँ कि एम्बुलेंस पूरी रात 12:30 बजे के बाद पूरी रात एम्बुलेंस आती रही, और ऐसे तो कोई नो नहीं है छोटे। हाँ, पिछली साल आई हूँ, आती हूँ। भीड़ तो बहुत काफी होती है, भीड़ बहुत काफी होती है, पूरी पूरा भरी रहती है, पूरा यहाँ से वहाँ पूरा भरी रहती है, बहुत काफी भीड़ होती है। कल रात को ये जो हादसा हुआ है, लगभग 12:30 से 1:15 बजे के बीच में, जिस वक्त मैं आपको बता दूं तो मेरे बच्चे यहाँ मौजूद थे, और ये बड़ा हादसा कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाता है, और यहाँ के आयोजककर्ता पर सवाल उठाता है कि आयोजककर्ता ने जब इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है, यहाँ 1500 से 1600 लोगों की आप जगह देख सकते हैं, यहाँ इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे 1500 से 1600 लोग एकत्रित हो सके, परंतु उसके बाद भी यहाँ 1500 से 1600 लोग एकत्रित होते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो ये स्टेज बनाया गया, क्या ये स्टेज को एक व्यवस्थित तरीके से उसको काबू नहीं करना चाहिए?